ये विपक्षी पार्टियां वो हैं जो बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं। एक एक प्रदेश का अगर आकलन करेंगे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और मुश्किलें आपने देखी होंगी कैसी बड़ी हैं। अभी योगा दिवस था, आपने पूरी सरकार को डगमगाते देखा होगा, हिलते डुलते देखा होगा योगा में। ये बात कौन नहीं भूल कोई भूल जाएगा। न्यूज 18 का काम ये है कि कुछ बीजेपी के लिए दूसरे दलों से काम लेते रहना। मैं इतना ही कहूंगा उनसे कि वो ज्यादा ना बोलें, ना एक दो तीन के बाद गिनती अपने विधायकों की नहीं कर पाएंगे। और जहां जहां विपक्ष मजबूत है वो मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगा। मुकाबले का वो अभी बता देंगे, मुकाबले का सवाल नहीं है। ये विपक्षी पार्टियां वो हैं जो बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं। मैं कल ही दक्षिण भारत में था, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स से मैं मिला हूं। आप एक एक प्रदेश का अगर आकलन करेंगे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और मुश्किलें आपने देखी होंगी कैसी बड़ी हैं। अभी योगा दिवस था, आपने पूरी सरकार को डगमगाते देखा होगा, हिलते डुलते देखा होगा योगा में। ये बात कौन नहीं भूल कोई भूल जाएगा। अरे ये जो बात इधर से आ रही थी, हालांकि मैं ये देखिए न्यूज 18 का काम ये है कि कुछ बीजेपी के लिए दूसरे दलों से काम लेते रहना। अभी तक तो एंकर चैनल वो लोग काम करते थे बीजेपी के लिए, अब उन्होंने एक रास्ता ये भी अपनाया है, अपना टीवी चैनल हो और उसके माध्यम से एक नेता भी कोई मिल जाए, दूसरा नेता मिल जाए। मैं इतना ही कहूंगा उनसे कि वो ज्यादा ना बोलें, ना एक दो तीन के बाद गिनती अपने विधायकों की नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सर अब होगी वहां पर जहां पर आपने सरकार को डगमगाते देखा है, 24 के बाद वही होगी जहां की आप बता रहे हो बात। विपक्षी एकता को कोई झटका? कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए, विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष बिहार के बाद जो है बेंगलुरु में बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? कैसी बातें करते हो आप? आपको कोई अलग से संपर्क जुड़ा हुआ है किसी योगी किसे जो आपको अलग से सूचना मिलती है? बिहार के बाद बेंगलुरु में विपक्ष बड़ी बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बिहार के बाद जो है विपक्ष जो है बेंगलुरु में बैठक करने जा रहा है, कैंसिल हो गई। ये बैठक लगातार होती रहेंगी और जहां जहां विपक्ष मजबूत है वो मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगा।